पंजाब एग्जाम चैनल देख रहे सारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सबसक्राइब कर लो तो बैल आइकन जरूर दब दो ता जो तुहानू साडी हर वीडियो की नवी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। जिवें कि तुहानू पता ही है आप अपने चैनल पर टैक्नीकल सबजैक्ट की तैयारी करवाने गे जो कि आप पंजाबी के करवाने गे। सो ये वीडियो काफ़ी इंपोर्टेंट है खासकर पंजाब के बच्चों लिए जिन्होंने SSC JEE जिमें पेपर हो गया अपने SSC JEE हो गया PSPCL दे विच TCL हो गया इन्हां दे JEE एग्जाम ASSA ALM दी तैयारी करनी है पंजाबी दे विच। सो ये चैनल उन्हां लई बच्चों लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। उम्मीद है तुहानू सब नू वीडियो पसंद आएगी। तो अज अपनी थ्योरी क्लास है जो कि मैं पंजाबी दे समझाउण दा यतन करांगा। सो वीडियो वधिया लगे तो चैनल में सबसक्राइब कर दो शेयर कर दियो ते वीडियो में लाइक तो शेयर जरूर करियो। तो शुरू करन चले अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन आ गया जी। पहला क्वेश्चन की कहता है इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन की हुंदा है। पिछली थ्योरी क्लास के आप पढ़िया सी मैगनेटिज्म ते इलैक्ट्रोमैगनेटिज्म। हुण अपना चैप्टर है इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन ये की हुंदा है। हुण आपां पढ़ना शुरू करते हैं। कहता द फिनोमिना ऑफ इंडक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर ड्यू टू चेंज इन मैगनैटिक फील्ड इज नोन एज इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन। कहता वो फिनोमिना वो अवस्था किसी अवस्था इलैक्ट्रिक करंट की इंडक्शन की किसी कंडक्टर के विच जिहड़ी कि चेंज होंगी रहती है मैगनैटिक फील्ड के विच। मान लो कोई उरे कंडक्टर हैगा मैं कंडक्टर बना उरे ये कोई मैगनैटिक फील्ड गुजर रहा है ये मान लो मैगनैटिक लाइनज ने ये गुजरदिया ने जो ये चेंज होंदिया ने तो उन्होंने की कहते हैं इलैक्ट्रो मैगनैटिक इंडक्शन। यह किते काम करता है फराडे दे नियम ते काम करता है ये। हुण अपना इस तो एक क्वेश्चन होर बन गया फराडे का नियम की हुंदा हैगा। आ देखो डिफाइन फराडे का ला ये देखते हैं। ये सब तो पहला अपने कोल दो ला हुंदे ने जिन्हों आप कहने फराडे का पहला ला ते फराडे का दूजा ला। पहला ला देखो की कहिंदा हैगा जिहड़े इलैक्ट्रिक सर्किट दे विच ने मोस्ट ऑफ द जिहड़े क्वेश्चन ने वो फराडे के सैकेंड लाते आते हैं खास करके न्यूमेरिकल जो कि आपां नू JEE एग्जाम के विच जां फिर लाइनमैन के एग्जाम के विच देखन नू मिलते हैं पंजाब के पेपरां के विच। सो आपां देखते हैं पहला क्वेश्चन फराडे का पहला ला की कहिंदा है। कहिंदा वैन एवर द नंबर ऑफ लाइनज ऑफ फोर्स एसोसीएट विद एनी क्लोज सर्कट द चेंजिज एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लो थ्रू द सर्कट विच लास्ट ओनली सो लोंग एज द चेंज टेक प्लेस। दोबारा पढ़ना शुरू करते हैं। कहता वैन एवर द नंबर ऑफ लाइनज ऑफ फोर्स पहले इतने तक कर लो याद कह जो भी नंबर ऑफ लाइनज ने जो फोर्स एसोसीएट कर दें किसी क्लोज सर्कट के बच्चे जोड़ा कि चेंज होंगे आप सर्कट बना लें मैगनैटिक फील्ड सर्कट एवें आता है। मान लो ये कोई क्लोज सर्कट हैगा ये नंबर ऑफ लाइनज ऑफ फोर्स ने यह मान लो फोर्स लाइन आ गई ने जिहड़ी कि सर्कट चेंज होंगे ने इधरों मूव होगी ना इतों लग के इतने एक एंड होंगी है ये क्रिया हो रही है एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लो ये करंट फ्लो होंगे करंट ना मैम ये वाला कलर मान लिया ये करंट फ्लो होके इतों शुरू के इतें आ रहेगा विच लास्ट ओनली सो लोंग एज द चेंज टेक प्लेस जेटा कि उदों तक ये रहा जो तक चेंज हों लाइन के कहता एन इनक्रीज इन द नंबर ऑफ लाइनज ऑफ फोर्स जे आप नंबर ऑफ लाइनज या फोर्स इनक्रीज करती मान लो इतों लैके आप इत तक करती होएगा तो यह करंट नूं इनवर्स कर देगा। जे करंट इधर जा रहेगा क्लोकवाइज
जे नंबर ऑफ लाइनस ज़्यादा होनगियाँ तो वह एंटी फोर्स वाइज हो जाएगा, एंटी क्लोक वाइज हो जाएगा। सेम जी आप वाइस वर्सा करता, मतलब जिन्नी घट नंबर ऑफ लाइनस हो फोर्स दियाँ, मैं एक और कंडक्टर बना दिना, इतने एक कंडक्टर बनाता, इस दे सिर्फ दो लाइन ने फोर्स दियाँ, नंबर ऑफ लाइनस फोर्स दो ने, तो फिर की है ये तो जो करंट है वह क्लॉकवाइज हो जाएगा, इस तरह घूमन लग जाएगा। फैराडे का पहला नियम यही कहता है, जिन याद करना आवे कि सौखा तरीका का जमी सौखा तरीका कुछ नहीं करना, जिन्ना नंबर ऑफ फोर्स ज़्यादा होएगा ये लाइना उन्ना करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो जे फोर्स घट होएगा नंबर ऑफ लाइनस ऑफ फोर्स घट होनगियाँ तो फिर वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, मतलब सीधी दिशा घूमन लग जाएगा। पंजाबी आप गल करिए हूँ फैराडे का दूजा ला की कहता है, जिसे उत्ते काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी बार पेपर च आते हैं, खासकर जेई दे विच। सैकेंड ला देखो, द मैगनीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन कोइल इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, जिहड़ा इंड्यूस्ड EMF का मैगनीट्यूड हुंदा है कोइल दे विच वो किहदे सीधे अनुपाती हुंदा है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज दे। हुण अगे देखो, कहिंदा कंसीडर ए कोइल, मान लो एक कोइल है वो नंबर ऑफ टर्म्स कितनियां ने एन ने, तो फ्लक्स डिक्रीज होंदी है, कितों डिक्रीज हो रही है फाई टू, इस तरह की फाई टू तो फाई वन हो जाली है, एक फ्लक्स इन दी वाई वन, पूरे नंबर ऑफ टर्म्स कितनियां ने एन ने, ये मैं नीचे लिख रहा गा, पहली फ्लक्स कि है फाई टू, तो किन्नी हो रही हैगी सैकेंड फ्लक्स लास्ट वह कह लो कुछ भी कह लो ये हो रही है अपने को फाई वन, तो फार्मूला की होएगा नंबर ऑफ टर्नस गुना फाई दो माइनस फाई वन भाग टी फोर टाइम इन 30 सैकेंड, तो फार्मूला की है सेम उ है जो आप लिखे है। हूँ फिर आते ला की कहता है दूजा ला, जड़ा यह ई है इंड्यूस्ड EMF कह लो या वोल्ट कह लो, ये किसे प्रपोर्शनल है सीधे अनुपाती है ये फार्मूले के जोड़ा आप राइट किया, हूँ ये सीधे अनुपाती होंगे गा, तो शोर्ट फॉर्म च लिखना हो कि मैं लिखा जाता है एन बराबर डी फाई अपॉन डी टी एवें आ जाएगा, तो जे आप वोल्ट कढ़नी है तो एन इधर आ जाएगा अपने को, फार्मूला की बन जाएगा ई बराबर माइनस एन, अपने को इधर देखो एन प्लस इधर आके की हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो फार्मूला सेम रह गया, सो इतों निकल के आएगा। हूँ एक न्यूमेरिकल सोल्व करांगे, उम्मीद है तुहानू पसंद आएगा। 800 टर्नस ने एन लिख लो पहला कितनी है, एक कोई लैच 800 टर्नस इंडी उस EMF लभनी आपां ने, जे फ्लक्स चेंज हो रही है कितों चेंज हो रही है एक सैकेंड 0.2 mW तो, पहली फ्लक्स कितनी है अपने को 0.2 mW कितनी हो रही है अपने को एक बन रही है, लास्ट फ्लक्स कितनी है फाइव टू एक बन रही है मिली वैपर, ये टाइम रह गया ये किन्ना गा 0.1 सैकेंड 0.1 सैकेंड, कुछ नहीं करना बस फार्मूला फिल कर दो, जो फार्मूला इस पुट करांगे आप कितना आएगा ई बराबर माइनस एन फाइव टू माइनस फाइव वन
भाग टाइम ये आ गया हूँ माइनस 800 गुना। हूँ जो आप सोल्व करना है यदा की तरीका है जी 5 2 है वो 5 1 माइनस करनी अपने 1 0.2 माइनस करनी है कि आ जाएगा अपने को 0.8 आ जाएगा जो माइनस करनी करके देख लो वैसे मैं पता है 0.8 आएगा गुना मिली का की लग जाएगा 10 2 माइनस 3 का समा कि अपने को 0.1 सैकेंड ये कि आ जाएगा कट कटा के 6.4 आ जाएगा यदा आंसर आ जाएगा 6.4। एक सैकेंड की आ गया हाँ सॉरी सो ये अपना आंसर आ गया हूँ लेंज का लाख आ गया ये की कहें गा क्या फराडे का कोई भी ला है जोड़ा नन ऑफ द फराडेस ला आर गिव्स एनी इनफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या फराडे का जो नियम हैगा वह डायरेक्शन नहीं दसता इंड्यूस्ड ईएमएफ की भी किस तरफ जा रहेगा यह कौन दसता है इट इज़ गिवन बाय लेंज का ला ये लेंज के ला द्वारा दसा जाएगा। हूँ देखो लेंज का ला एक्सप्लेन करते हैं लेंज का ला स्टेट करता है मतलब दसता है दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कि जी डायरेक्शन है इंड्यूस्ड ईएमएफ की इज सच दैट इट अपोज द एक्ट विच प्रोड्यूस इट भी यह वो चीज़ को अपोज कर दी है मतलब उल्ट कर दी है जिड़ी कि प्रोड्यूस करती है। मान लो मैं इतने मान लो कोई सिंगल सोर्स बनाता ईएमएफ का कंसीडर करो पूरे है ई इतने करंट जा रहा है आई जे ये इधर जा रहेगा तो लेंज का ला की करेगा इतने एक मैगनेट लग जाएगी चुंबक हो जाएगी उरे उरे हो जाएगा एन एस जे तो चुंबक की दिशा इस तरफ है तो यह करंट इस तरफ जाएगा जे यह उल्टी होगी नॉर्थ तो साउथ वाल होगी तो करंट किधर हो जाएगा इस तरफ आ जाएगा सो एवें अपोज करती है। हूँ नुमेरिकल सोल्व करांगे कहिंदा कोइल ऑफ रजिस्टेंस कहिंदा किसी रजिस्टेंस की कोइल है किसी कोइल की रजिस्टेंस है 100 ओम है रजिस्टेंस लिख लो आप उरे कोइल की रजिस्टेंस कितनी है 100 ओम है इनू मान लो R1 100 ओम है मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1 mW फाई कितना है 1 mW मिली का लगा दो 10^-3 टर्न्स कितनी ने 500 एन कितनी है 500 गलवैनोमीटर रीडिंग कितनी है 900 ओम ये आप किता हुआ है टॉपिक सेम सिमिलर उस तरह का ही है 900 ओम गलवैनोमीटर रीडिंग सी ना रजिस्टेंस जी आर जी आ गया ये सीरीज़ के जुड़िया हुआ कहता फाइंड द एवरेज ईएमएफ लभनी आपने तो करंट जे कहता फील्ड स्ट्रेंथ है जी 0.2 mm हो गई मतलब दूजी फ्लक्स कितनी हैगी अपने को 0.2 mW हूँ पहला फार्मूला अपन जिम पता ही है पिछे कितना से आप सोल्व वो लगा दो 500 मतलब एन आ गई गुना यह आ गया 5 1 ते 5 2
फाइव वन के फाइव दो माइनस करा कि आ जाएगा 0.8 मिली तो लग जाएगा 10^-3 भाग समा समा कि मैनशन से अपने को इस लिखा नहीं 0.1 मान लाने 0.1 ये कट कटा के कि आ जाएगा 4 आ जाएगा। यह की तरीका है हाँ देखो 8×5 कर दो 4 आ रहा है पूरे कर ही देना चल 4 दो जीरो में लगा दो ए पॉइंट के नाल ए पॉइंट उड़ जाएगा भाग हो जाएगा 1000 दो जीरो उड़ गई 0.4 आंसर आ जाएगा वोल्ट। हम अगे की करना अपने हूँ अगर करंट लगना है यदा फार्मूला की है जिमें आप डीसी सर्किट के किया एक दिन का फार्मूला होंगे ई बटे आर प्लस आर जी ये फार्मूला है। उधर की सीगा एक असी रजिस्टेंस उरे सी अपने को छोटे आर नाल एक असी एल लोअर रजिस्टेंस सी उरे सो आप उरे नहीं लिखांगे उरे अपने को फार्मूला फिट आएगा सॉरी इतने एक जीरो हो रहा है ये कला 4 आएगा अपने को 4 वोल्ट। हम देखो ये किन्ने अपने को 4 4 बटे बड़ी आर कितनी है मतलब सब तो पहली कोइल की रेजिस्टेंस 100 है तो गैल्वेनोमीटर कितनी है 900 100 प्लस 900 कितना आ गया 4/1000 आ गया। सो इसका आंसर कितना आ गया 0.004 ये आंसर आ गया करंट का। इतने लिख देंगे आप अंपीयर इतने आ जाएगा आई। सो ये अपनी अज की थ्योरी क्लास उम्मीद है तुहानू फराडे का ला तो लेंज का ला समझ आ गया होना है तो पेपर के कोई गलती नहीं करोगे तो अगर PSTCL के भी वैकेंसी आ रही है उन्होंने भी यह क्लास बहुत जरूरी होने वाली है। सो मौके पर अपने को तैयारी नहीं होंगी सो उम्मीद करदा तो हुण तो ही तैयारी करनी शुरू कर दूंगे तो यह अपना चैनल का नाम प्लस यही सर्च करके तुसी देख सकते हो इंस्टाग्राम पेज आ जाएगा टैलीग्राम आ जाएगा साडा यूट्यूब आ जाएगा उतों तुसी फॉलो कर सकते हो। सो वीडियो देखने लिए सब का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं फिर दोबारा एक और थ्योरी क्लास नाल।